अस्सलाम वालेकुम, खुश सर आमदीद नाजरीन। मैं डॉक्टर समन खान आपके साथ और मेरी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, इंसान साइकियाट्रिस्ट, और आप हैं हमारे साथ गपशप डॉक्टर सादिया और डॉक्टर समन। आज हमारी 12वीं किस्त है समन, जी अब भूल रहा है अब, माशाल्लाह से। हाँ जी, आज हमारी 12वीं किस्त है और आज हम कर रहे हैं ड्रामा शराब, ठीक है ना। और हमें एक्चुअली काफी लोगों ने दरखास्त की थी कि हम इस ड्रामे को कि हम ऊपर हम गुफ्तगू करें, तो हम बस इंतजार कर रहे थे कि ड्रामा खत्म हो ताकि हम फिर उसका पूरा पूरी उसके ऊपर बात कर सकें। तो आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। चले समन, आप बताएं क्या होता है इस ड्रामे में। हानी जादिया, और आई थिंक पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा कोई ड्रामा बना है जिसमें एक्चुअली दे हैव एड्रेस्ड के अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, है ना। तो शराब में बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। इसमें समी खान है जिन्होंने असफंदियार का रोल अदा किया है, सोनिया हुसैन है जो हुरैन है, जो मेन हीरोइन है। तो इसमें जबरदस्त कहानी में है, जबरदस्त, इन जबरदस्त अदाकारी की थी ना सोनिया ने, नहीं। रियली और अमेजिंग। सबका जो रोल था वो बड़ा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है ना। एक बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इस बीमारी में क्या होता है, और इस बीमारी में जो जो लोग उनके अराउंड होते हैं, जो मरीज के अराउंड होते हैं, उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है उसका, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो कहानी शुरू इस तरह होती है कि ये तीन बहनें हैं और अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती हैं, जो उनके अम्मी अब्बू हैं उनके भाई और बहन, नहीं क्या कहते हैं, वट्टा सट्टा की शादी हुई भी होती है। तो दो बहनें दो भाई हैं, उनकी शादियां हुई हुई हैं। और जो भाई के बेटा है वो असफंदियार है, जो हुरैन, जो उनकी आई थिंक नंबर तीन सबसे छोटी बेटी है जिससे वो बिल्कुल मोहब्बत करता और दिखाए बचपन से मोहब्बत करता है। तो हुरैन जो है वो ये दिखाया है कि वो देख हलुसिनेट करती है ना। उर्दू में क्या कहेंगे हलुसिनेशन को? यार, मुझे लफ्ज का तो नहीं पता, लेकिन हम समझा सकते हैं कि ये क्या होती है ये चीज ना, कि हाँ, हलुसिनेशन में ये होता है कि आपकी जो आपकी एक तरह से जो हकीकत है उस वो उसके साथ जो होता है आपकी ना मतलब कनेक्शन नहीं रहता हकीकत के साथ ना, कि आपके कुछ ऐसे आपके तजर्बे होते हैं जो हकीकत से बाहर होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है अक्सर जो हम देखते हैं, और इस ड्रामे में भी जो दिखाया गया है कि ये कि जो हुरैन है उसको वो मतलब वो आवाजें सुनती है, ठीक है ना, जब कोई भी नहीं होता उधर, बल्कि सिर्फ सुनती नहीं है, देखती भी है ना। बल्कि असफंदियार जो है इसकी जिंदगी में जो है इसका कजन, लेकिन वो उसको जब वो नहीं भी होता पास असल में, तो वो उसको दिखाई देता है, उसको सुनाई देता है ना। तो इससे हम कहेंगे कि ये विजुअल और ऑडिटरी हलुसिनेशंस हैं, ठीक है ना, कि जो जो भी आपका सेंस हो उसमें जो कुछ आपको महसूस हो, जो आ, 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 बाकी मतलब ये असल जिंदगी में नहीं हो, तो उसे हम हलुसिनेशन कहते हैं। और बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं ना इसमें, विजुअल और ऑडिटरी जो हम इसमें देखे हैं। हमने इसमें टैक्टाइल भी देखा है, बिकॉज बहुत दफा उसको ये महसूस होता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, जो इसमें मैंने सीन में भी देखा है कि उसको ये एहसास नहीं है कि वो मौजूद नहीं है, उसको लग रहा है कि वो उसका हाथ पकड़े हुए है। तो इसको हम टैक्टाइल हेलुसिनेशंस कहते हैं ना। और उसके अलावा भी होती हैं हेलुसिनेशंस सूंघने की, कि कोई ऐसी स्मेल हो जो बाकी लोग नहीं स्मेल कर सकें लेकिन आप स्मेल कर सकें। और टेस्ट की भी होती है ना, ऑल्फैक्ट्री और गस्टेट्री जिसे हम कहते हैं। तो ऑल्फैक्ट्री जो होती है वो स्मेल की होती है, गस्टेट्री जो होती है वो हम कहते हैं जो कोई चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है। और ये ऐसे ही तजर्बा होता है समझ, जैसे कि असल जिंदगी में आपके साथ ऐसे हो रहा हो, आपको फर्क नहीं लग महसूस होता ना कि ये मतलब ये है या नहीं, आपको बस यही पता है कि ये चीज है, ठीक है ना, लेकिन वो जिंदगी असल में वो होती नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन कुछ मर्तबा ये होता है कि आपको एहसास होता है कि बेशक मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मैं आवाजें ये सुन रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये असल में नहीं है, ये मेरे
मेरे साथ कोई मसला है जो जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है ना, ये भी होता है। लेकिन इस ड्रामे में हम देखते हैं कि हुरैन को ज्यादा मतलब कि इसको वैसे अंदाजा नहीं होता ना बिल्कुल आखिर तक, बिल्कुल इसको मतलब कि मजीद बात करेंगे, लेकिन इसको इस वक्त तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि इसके साथ मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बिल्कुल ये समझती है ना कि मुझे जो ये देखती है जो ये सुनती है कि वो असल में वो हो रहा है। जैसे साथी तुम कह रही हो, इन लोगों को ऐसा होता है मरीजों को कि उनको वाकई असल में लगता है, उनको वाकई वो चीज़ें सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो उनको एहसास नहीं होता है कि कम, यानी कि इनसाइट जिसे कहते हैं ना, कि एक एहसास होना कि रियल है या नहीं रियल है। बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं होता कि वो नहीं समझते कि ये वाकई डिल्यूजन है या हेलुसिनेशन है, वो उसको असल ही समझते हैं। लेकिन आई थिंक अब ट्रीटमेंट के चेंजेस की वजह से थोड़ा सा हमने फर्क देखा है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पेशेंट्स को अंदाजा नहीं होता अंटिल मच लेटर। तो इसके अंदर ये दिखाया है कि ये फोन पे बात कर रही है और इनके अब्बा आ जाते हैं, अब्बा फोन देखते हैं, कहते हैं कि फोन तो आउट ऑफ ऑर्डर है, तो ये कैसे बात करी, तो उसको ऑब्वियसली सुनाई दे रहा है। एक सीन के अंदर ये बहन देखती है कि इसकी जो हुरैन है वो मुस्कुरा रही है, डांस कर रही है किसी के साथ, लेकिन कोई मौजूद नहीं है, तो वो भी हैरत में होती है। तो ऑल्दो फैमिली को थोड़ा बहुत एहसास तो होता है कि ये कुछ मुख्तलिफ कर रही है और ये नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ये उनको अंदाजा नहीं हो पाता कि ये बीमारी है या क्या है ना। बिल्कुल अगेन इसी के अंदर ये मैंने स्लाइड्स में ये एक्सप्लेन हुआ है ना कि उसका मंगेतर है वो कंफ्यूज हो जाता है ना, से वो उसे कभी कभी बातें करती है उसको कोई मेक सेंस नहीं करता, तो उससे कहता है ये क्या है बात कर रही है। इससे जाहिर है वो अपने डिल्यूजन उसको देखती है, तो वो बातें करती है जो उसकी हो चुकी होती हैं उसके जहन में, लेकिन असफन यार के उसमें इल्म में नहीं होती हैं। लेकिन वो दिखाया कि वो उसका बहुत केयर करता है, उसके लिए परेशान रहता है। तो जब इनके माँ बाप को अंदाजा होता है या और बहनों को भी कि कुछ मसला है, तो ये समझते हैं, और इसमें ये दिखाया है कि इसकी जो हुरैन की जो अम्मी है उनको तो पूरा यकीन है एक तरीके से ना कि इसके ऊपर कोई तावीज़ किया है, वो भी उसकी ताई ने, है ना, ताई है, चची, मतलब चची ने, चची कि मामी है ना इनके, मामी इनकी होगी। जो हाँ इनकी जो है भाभी होती है ना वो हाँ मामी भी होती है, चाची भी होती है अच्छा उनकी। फुप फुप्पो होती है। नहीं हाँ पप्पू, ओह गॉश इट्स कंफ्यूजिंग, पप्पू भी ये होते हैं। एक्चुअली एक्चुअली समन हम पहले भी बात कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर मेरा ख्याल ऐसे इन्होंने वो प्लॉट बनाया है कि इनके आपस में जो है रिश्तेदारी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, हुरैन की और असफंदियार की, मतलब कि दोनों के जो माँ बाप हैं आपस में दोनों की उनके मतलब पहले से ही मतलब डबल रिश्ता है उनका ना। फिर जब मतलब कि ये दिखाया, इसकी एक वजह है जो हम मतलब वाजे तौर पर हम आपको दिखाएंगे फिर, लेकिन इसकी हमने जो हमारे जहन में जो आई थी बात, वो ये जरूरी दिखाया था प्लॉट के लिए कि इसकी बीमारी इतनी ज्यादा है कि मतलब के जो रिश्तेदार है वही मतलब एक तरह से दिखाया जा रहा है कि वही इसको संभाल सकते हैं ना हाँ उनके क्योंकि उनकी बेटी उनके घर की बेटी है, तो उनको बहुत एहसास है और बहुत मतलब फिक्र है, तो इसीलिए वो उसको संभाल सकते हैं। लेकिन ये बात भी हम इधर कह दें कि जो इसके हुरैन के अपने अम्मी अबू होते हैं वो काफी मुख्तलिफ होते हैं ना असफंदियार के अम्मी अबू से, ठीक है ना, कि ये जो इनके इसके जो अम्मी अबू होते हैं काफी होते हैं, जिसकी अम्मी जो इनकी बहुत ज्यादा जज्बाती होती हैं, जैसे हम कहते हैं हिस्टेरिकल इंग्लिश में हम कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा शदीद मतलब जज्बात का इजहार करना और बहुत जल्दी परेशान हो जाना, बहुत बात का बतंगड़ बनाना ना इस तरह। उनके अब्बू भी जो होते हैं काफी मतलब के क्या कहते हैं एंग्शियस होते हैं ना काफी, और जल्दी घबरा जाते हैं और गुस्सा जाते हैं, करते हैं गुस्सा ना। करते हैं। जैसे इसमें दिखाया कि हुरैन को बीच में उन्होंने एक थप्पड़ भी मारा था जब उसने ये हाँ इसकी शादी करा रहे होते हैं अपने बेटी के जो देवर है उससे ना, सफियान। वो कहती है कि मुझे सफियान से नहीं शादी करनी, मुझे असफंदियार से करनी है, तो बाप इनका थप्पड़ मारता है इनको। तो कोई एक तरीके से इसका शुरू से ये दिखाया है बचपन से कि उसकी जो बात है उसके ऊपर कोई कोई गौर नहीं करता, उसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है।
बिल्कुल बड़ी सबसे बड़ी बहन है उसके, उस सबसे ज्यादा अटेंशन उसको मिलती है, और इवन बिल्कुल बड़े होके भी तो सब उसी की बात सब मानते हैं, और माँ को भी यही लग रहता है। वो एक अलग कहानी चल रही है कि उसकी बड़ी बेटी की कोई औलाद नहीं है, और उसको बस ये फिक्र रहती है कि उसका घर ना खराब हो, और हर कोशिश में ये कि उसका घर बना रहे ना। हाँ बिल्कुल उसी की मतलब के क्या कहते हैं उसी का कहना चलता है उस घर में ना। और ये दिखाया जाता है कि वो बहुत चालाक है ना, इसकी जो बड़ी, खासतौर पे जो सबसे बड़ी बहन होती है वरदा जो होती है, दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा चालाक और अपने मतलब के लिए मतलब सब कुछ वो चाहती है कि ना अपने मतलब के लिए करो, इसी तरह इसीलिए वो चाहती है कि मेरे घर में मेरी बहन ही आ जाए ना, मेरे देवर की साथ एक मेरी बहन की शादी हो जाए, क्योंकि मैं बेऔलाद हूँ तो इस मुझे फायदा होगा ना इससे। तो और उसकी जो नमल भी जो होती है, जो दूसरी बहन होती है हुरैन की, वो कुछ बेहतर होती है, लेकिन फिर भी वो भी उसका भी अपनी और स्टोरी लाइन होती है कि वो भी इस अस्फंदियार को पसंद करती है, फिर वो चाहती है कि उसकी शादी उसके साथ हो जाए, और इसके लिए मसले खड़ी करती है ना, उसकी बीमारी का फायदा उठाती है ना नमल, जानबूझ कर उसको ऐसे बातें बताती है करती है जिससे ये ज्यादा मजीद इसकी बीमारी जो है बिगड़ती है ना। लेकिन इसके बरक्स हम देखेंगे कि जो अस्फंदियार के जो माँ बाप हैं उनके घर का माहौल कितना मुख्तलिफ है ना, और वो खुद भी कितने मुख्तलिफ हैं कि बहुत मतलब के करने समझदार तहमल, वाले समझदार करते हैं। हाँ बिल्कुल तहमल और मतलब के बर्दाश्त रखने वाले, और बहुत मतलब के, तो उसकी बिल्कुल जो होती है परवरिश जो होती है बहुत मुख्तलिफ तरीके से की गई होती है ना असफंदियार की। तो लेकिन ये इन्होंने मतलब दोबारा हम कहेंगे कि दोबारा इन्होंने जानबूझ कर ये चीज दिखाई है कि एक घर में जहाँ पर इतना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में या साइकियाट्री में हम कहते हैं हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन ना, जिस घर में बहुत ज्यादा ही हर चीज को मतलब बहुत ज्यादा जज्बात और क्या कहते हैं शोर और जल्दबाजी में चीजें करनी और एक दूसरे का ख्याल ना रखना, बातें करनी, शोर मतलब क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स और शाउटिंग वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं इनका असर होता है बहुत ना। लेकिन जो असफंदियार के जो घर में बहुत मतलब सुकून होता है, बहुत मोहब्बत और खुलूस में सब रहते हैं ना एक दूसरे के साथ। और ये क्योंकि दिखाया कि ये आपस में रिश्तेदार हैं, तो यही हम सोच रहे थे कि ये दिखाया है ना कि जिस तरह की भी इसकी बीमारी थी तो उनको पता है कि उन्होंने हम इसको मतलब इसको संभालना है ना, ये नहीं कहना के लिए ये तो ठीक ही नहीं है तो जस्ट जल्दी से फर्क करो ना, ये नहीं, उन्होंने वैसे भी उनकी आदत नहीं है इस तरह की, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि उनकी बहुत बहुत गहरी रिश्तेदारी है, तो उन्होंने बहुत कोशिश की के ना उसको संभाल सके। हाँ नहीं, तो ये लेकिन ऑब्वियसली ये भी बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे यहाँ इसको बहुत अहमियत देते हैं कि कोई असर हो गया है या कोई जादू हो गया है, ये जो इसको एक बाबा के पास लेके आते हैं, पीर साहब कहते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको एक मजार के पास लेके जाते हैं ना, कि यहाँ पे हर मुराद पूरी हो जाती है, हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो इसके ऊपर जो भी जादू हुआ है या असर हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। पर ऑब्वियसली वो उसको और खतरनाक सिचुएशन में डाल देते हैं, इससे कि उसके सिम्टम्स तो हो रहे होते हैं, हलुसिनेशंस और डिल्यूशंस। फिर ये दिखाया कि अस्फन्यार उसको वहां से बचा के लेके आता है और सीधे क्लिनिक पे लेके जाता है, साइकाइट्रिस्ट वहां पे मौजूद होती हैं, वो उसको एक्सप्लेन करती हैं कि क्या इसको बीमारी है और क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसके बारे में आप कुछ कहेंगे सादिया? कह तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल हम पार्ट टू में हम करना चाह रहे हैं ना। चलिए ठीक, लेकिन ये कि डॉक्टर हम जरा ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है ना इसका, हम उसको पार्ट टू में फोकस करेंगे। तो हमने इसमें ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे इससे कि इसमें इतने प्रेजेंटेशन और सिम्टम्स हैं कि हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, और प्लस फैमिली जो इफेक्ट होते हैं उसके, है ना। इसमें जो ऊपर का स्लाइड है उसमें दिखाया कि वो इतनी घबरा गई है अपने घर जाके कि वो कहती है सब मेरे दुश्मन है। तो अगेन पैरानोया इज अनदर सिम्टम, है ना, कि ये समझना कि लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, या कोई कंस्पिरेसी है मेरे खिलाफ, या मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सब इसको महसूस होता है ना कि अब इसकी इसकी फैमिली इसके अगेंस्ट हो गई और उसको तकलीफ देना चाह रही है, तो वो बहुत भाग के कॉमन आते हैं। होता है, बहुत और कॉमन कौन सिम्टम है ना।
और समन आप ये भी बताएं कि ये जो है ये इस वजह से भी है, मतलब इसकी जो वजूहत होती है वो ये भी हो सकती है ना कि एक तो ये कि उसके जो हलूसिनेशंस है ना, कि जो ये आवाजें ये सुनती है कि वो उसको क्या कहते हैं ना, कि अगर वो आपसे कह रहे हो कि ये लोग आपको मारना चाह रही हैं, ये लोग आपके आपके खिलाफ हैं, ये मतलब ये चीज होती है। एक और चीज होती है कि ये हलूसिनेशंस नहीं होते लेकिन उनकी सोच ये होती है ना, एक क्या कहते हैं, एक यकीन उनके दिमाग में बैठ जाता है ना कि नहीं ऐसी ही है, ठीक है ना, तो ये उसको हम डिलूजन कहेंगे ना। तो इसमें तो दोनों चीजें हैं ना, इसमें हुरैन में तो हम देखते हैं कि दोनों चीजें हैं। हाँ, ये तो हेलुसिनेट भी करती है और उसके डिल्यूजन्स भी होते हैं, तो दोनों को मिला के फिर वो बहुत ही तरीके से कंफ्यूज स्टेट में रहती है वो अपना, कि उसको समझ में नहीं आता कि कौन उसके अपना है कौन उसका दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपने ये तस्वीर डाली इसमें कि वो घर से भाग रही है ना, तो मुझे याद आ रहा है कि इसके चेहरे पर इतनी मतलब क्या कहते हैं, इतनी खौफ और इतनी मतलब कि एक बहुत 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 बहुत, बहुत खौफजदा होती है ना, तो इस हालत में बाहर निकल रही होती है। और इसमें ये भी हम सपोज हम बता सकते हैं कि इसमें ये होता है कि इंसान को जो पूरा जो बिहेवियर है वो काफी हद तक बदल जाता है ना, कि जो चीजें वो पहले नहीं करते थे वो उनकी शख्सियत में आप देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अच्छा आपने पहले भी जिक्र किया ना कि वो रात के वक्त मतलब खुद हंस रही होती, अपने खुद बैठी हंस रही होती है रात में, वो है ना आधी रात में वो रक्स कर रही होती है ना। और फिर ऐसे कि बहुत जल्दी इसको भी घर से भाग जाती है, लेकिन और भी चीजें हैं ना, जैसे ये बहुत जल्दी गुस्सा मतलब कि गुस्से में आ जाती है, बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं एजिटेटेड होना ना, कि बहुत बहुत स्ट्रेस में चले जाना, और ऐसे ऐसे बहुत हिलना या मतलब आगे पीछे चलना, और फिर ये बाद में ये काफी अग्रेसिव भी हो जाती है ना, कि मतलब कि दूसरों को गुस्से में बात करती है और मारने पर भी आ जाती है ना। तो ये चीजें भी हम देखते हैं कि बिहेवियर के इफेक्ट होती है। हाँ, नहीं, वो इरिटेबल होती है अपनी बहन से नाराज होती है, बहनों से, और अपने वालदेन से भी नाराज होती है, अपने अपने अब्बा से, अपने अम्मा से, कि ये लोग यानी कोई ये मेरा कोई अच्छा नहीं चाहता, सब बुरा मेरा चाहते हैं, और आई थिंक बीच में से ये भी कहते हैं लोग मुझे मारना चाहते हैं। और उसकी बहन कहती है ना ये तो बहुत इतने दिनों हफ्तों अपना मतलब के नहाती भी नहीं है, मतलब के और बीच में खाती भी नहीं है, तो ये चीजें भी आ जाती है ना, सोती नहीं है, या मतलब ये हम देखते हैं अक्सर मरीजों में ना, कि उनके वही शख्सियत में और उनके बिहेवियर में वो तब्दीली आ जाती है ना। हाँ, बहुत दफा ये भी सोचते हैं ना कि खाना पॉइजन हुआ हुआ है या कोई उसमें कोई उसका अगेन वो टेस्ट डिफरेंट हो, अगर फील करें कि टेस्ट डिफरेंट है तो कोई उनमें पॉइजन मिला दिया। बहुत सारे जो इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना सादिया, कि वो उनमें थोड़ी बहुत रियलिटी बेस्ड होती है, बिल्कुल जो उनके जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं ना, वो उन हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि हम बिल्कुल देखते हैं कि जो जो फॉर एग्जाम्पल ईसाई के फैमिली का कोई शख्स है, तो उसको जो हलुसिनेशन डिल्यूजन्स यूजली स्पिरिचुअल होते हैं, जो जीसस के साथ या स्पिरिट के साथ, और मुसलमान का जो हमारा जो बिलीव्स हैं वो उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो कुछ ना कुछ रियलिटी से उसका ताल्लुक जरूर होता है, लेकिन वो उसको और ज्यादा वो एग्जैजरेटेड हो जाता है। अच्छा। और समझ ये जरूरी भी नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया में जैसे हमने काफी सिम्टम्स बताए हैं ना, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सब हो, ठीक है ना। कुछ लोगों में शायद कुछ चंद ज्यादा होंगे और या बेशक एक तरह का भी हो, जैसे अपने कहा कि हलूसिनेशन हो, लेकिन किसी को एक तरीके एक एक तरह जाहिर होगा, किसी को किसी और तरह से जाहिर होगा। और हम ये भी कह सकते हैं ना, एक और चीज जो आपने कही जैसे पैरानॉइड डिल्यूजन्स हमने कहा कि होते हैं, तो कई लोगों को ये होता है कि वो ग्रैंडियोज डिल्यूजन्स होते हैं, ठीक है ना, जो इस ड्रामे में नहीं दिखाए गए, लेकिन ग्रैंडियोज से मतलब कि वो अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत स्पेशल है, हमारे पास बहुत बहुत ताकत है, या हमारे हम बहुत हमारे पास बहुत स्पेशल पावर्स हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीजें भी होती है ना। तो हर इंसान हर मरीज के मुख्तलिफ होगी ये चीज ना, लेकिन आपने जो बिल्कुल कही आपने सही बात कही कि वो अक्सर आप देखते हैं कि उनके जिंदगी में कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा, ठीक है ना, वो कंटेंट में।
क्योंकि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, क्या वो कौन सी चीजों पर वो यकीन रख रहे हैं ना. लेकिन जो एक्चुअली जो सिम्टम होगा वो नहीं हम बता सकते कि वो कौन सा एक इंसान में कौन सा होगा, वो मुख्तलिफ होगा हर. हर शख्स डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है ना। ऑब्वियसली कुछ सिमिलरिटीज तो होती हैं लेकिन उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस से बेस्ड होती हैं। तो एग्जैक्टली जो तुम कह रही हो, कुछ लोगों का हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स नहीं होते, कुछ लोगों को सिर्फ डिल्यूजन्स होते हैं, तो उसको हम परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कहते हैं ना। तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिल्यूजन्स होते हैं। और एक जरूरी बात समझ, हमने पहले भी ये काफी मरतबा कही है कि ये चीज, ये बीमारी तब, मतलब जो नफसियाती बीमारी, तब बीमारी समझी जाएगी ना जब आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत उसका असर होगा, ठीक है ना. और स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया में तो हम बहुत, मतलब बहुत ज्यादा देखते हैं ना कि उनकी पूरी जिंदगी पर कितना मुतासर होती है ये बीमारी ना, कि मतलब कि वो फर्ज करें अगर वो स्कूल जा रहे हो तो वो स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है ना, उनको मुश्किल होती है ना बहुत, इतना इतना कुछ उनके साथ हो रहा होता है तो वो नॉर्मली वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रख पाते. और बल्कि हुरैन के साथ भी यही होता है, वो पढ़ रही होती है तो वो पढ़ नहीं सकती, कहती मेरे कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है ना, क्यों इतना कुछ उसके साथ हो रहा होता है. अगर जॉब करें वो भी, उसमें भी उनके लिए मुश्किल होगी, अब उनकी अपनी घरेलू मतलब जिंदगी में, अजवाजी जिंदगी में. तो ये चीज ये है कि नोटिस होंगी ये चीज, है ना, ये ऐसी बीमारी है कि ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती मेरा ख्याल ना, ये कहीं ना कहीं जाहिर जरूर होगी. क्या ख्याल है आपका? हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। और बहुत दफा हम लोग ये देखते हैं कि सर कभी कभी, लेकिन जब अब पॉजिटिव सिम्टम्स जो हम कहते हैं ना, जो हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, इनको हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स जिनके अंदर ज्यादा होते हैं, उनको उनको पता करना मुश्किल होता है, इससे कि वो बताते उनके उनके हो सकता है वो हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स वो एक्सप्रेस ना करें, और पता भी नहीं चलता कभी उनके एक्सपीरियंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ ये होता है, उनकी जो उनकी सेल्फ केयर सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है ना, कि वो अपना जो नॉर्मली शावर लेते हैं या अपने खाने पीने का ख्याल, सोने का, तो वो सब अफेक्ट होता है उनका, और जिंदगी से लातालुक एक तरीके से हो जाते हैं ना। और बहुत स्लोड भी हो जाते हैं ना, कि बहुत बहुत आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हिलते हैं, है ना. और ये चीजें जो होती हैं समन, कई दफा अगर दूसरी चीजें ना हो, पॉजिटिव सिम्टम्स ना हो, तो ये फिर इशारा आपका कि किसी और तरफ भी आपको मतलब ये लेके जा सकती है ना ये चीजें ना, कि मतलब फिर आपको ये अंदाजा भी हो सकता है कि शायद इनके पास डिप्रेशन है या कोई और बीमारी है ना. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये खुल जाती है ना बीमारी, मतलब जैसे जैसे ज्यादा जाहिर हो. बल्कि इस चीज को हम एक एक वो जो वक्त होता है जो बिल्कुल जो बीमारी पूरी तरह से जाहिर नहीं हुई होती अभी, उसे हम एक हमारा एक नाम भी होता है ना, जैसे हम प्रोड्रोम कहते हैं ना, प्रोड्रोमल जिसे हम कहते हैं, कि अभी पूरी तरह जाहिर नहीं हुई लेकिन कुछ इशारे हैं, मतलब कि जहां से हमें पता चल रहा है कि मतलब कुछ सही नहीं है और आगे मजीद ये मतलब बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या होता है ना. तो ये भी एक चीज होती और है. इसको पता करना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जो आपके जो टीनेज बॉयज होते हैं ना, इसे वो बहुत दफा अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो उसको हम लोग काफी दफा हमने देखा है कि उनको थोड़ा डिले होता है डायग्नोसिस में। जैसे कि नॉर्मली वालदैन समझते हैं कि नॉर्मल टीनेज बिहेवियर है कि अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारना, शावर नहीं लेना, लड़के थोड़ा सा वैसे भी इतने वो नहीं होते, उनको थोड़ा पुश करना पड़ता तजर्बा बोल है। रहा है. टीनेज बॉयज तो कभी कभी फिर मुश्किल हो जाती है इसको समझना। और एक्चुअली रिसर्च भी हमको ये दिखाती है ना कि जो लड़के होते हैं स्पेशली जो नेगेटिव सिम्टम्स के साथ, उनका कभी कभी डिले हो जाता है डायग्नोसिस में। लेकिन एग्जैक्टली वो जो तुम कह रही थी ना कि दे डू बिहेव कि आउट ऑफ कैरेक्टर ना, तो अगर वो नॉर्मली अग्रेसिव नहीं, एकदम से अग्रेसिव हो जाए और इरिटेबल हो और जब जवाब ना दें, ऐसा लगे वो किसी और, उनका जहन कहीं और है, चीजें भी आप नोटिस करते हैं। तो हम बेसिकली कहते हैं ना कि इट अफेक्ट्स योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो उनकी जो इवन जो फीलिंग्स हैं, जैसा कि या तो डिप्रेस्ड होते हैं या हो सकता है वो थोड़े मैनिक हो, दे माइट बी हाई, तो ये उनका बेसिकली उनकी फीलिंग्स, उनका जो वो है वो भी बदल सकता है इसके अंदर। जैसे हम अक्सर देखते हैं ना, जो लोग जैसे हम कह रहे थे, जो लोग समझते हैं कि हम
बहुत खास हैं, ये हमारे पास कोई खास पावर्स हैं, ये इस तरह कुछ ना, पर उनका अक्सर मूड जो होता है फिर उसी के हिसाब से होता है ना, कि वो ज्यादा मतलब खुश, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और उनके फिर आपको उस वजह से आपको परेशानी होती है कि ये मतलब है ना कि ये भी सही नहीं है ना। हाँ हाँ ये जी लोग, बिल्कुल, हाँ ये, और ऐसी भी उनकी शख्सियत में फिर चीजें आ जाती है ना, कि वो जाके फिर ऐसे काम करते हैं जो पहले ना वो कर उन्होंने कभी पहले नहीं किया है, जैसे जाके बहुत ज्यादा लोगों से फ्री होना, बहुत ज्यादा उनके करीब होना, और ऐसे बातें कह जाना जो वो पहले नहीं मतलब कहते थे मतलब के ना, और कोई फैसले भी ऐसे ले लेना जो वो पहले नहीं ऐसे मतलब उनकी शख्सियत के लिहाज से वो मुनासिब नहीं लगते ना, तो ये चीजें मतलब तब्दीली बहुत आती है ये हम कहेंगे, है ना। उनका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी होता है ना, तो ये जस्ट हैव टू वॉच आउट कि दे वो अपने आप काफी वल्नरेबल सिचुएशंस में बिल्कुल पास होते हैं, तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी होता है कि इस चीज को ना वो आप अर्ली मैनेजमेंट करें। और अग्रेशन के बारे में साथिया मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि अग्रेशन जो होता है वो हम अक्सर हम सुनते ज्यादा हैं, मीडिया में भी ज्यादा आता है कि मैड पेशेंट और उसने किसी को कत्ल कर दिया और ये वो, बट इन रियलिटी वी नो दैट द इंसिडेंस ऑफ के अग्रेशन जो होता है इन पेशेंट्स के अंदर बहुत कम होता है एक्चुअली। बिल्कुल उसकी जो प्रेस, इट्स बैड प्रेस ज्यादा होती है लेकिन जो इंसिडेंस है वो ज्यादा नहीं होता है। वो ज्यादा सबसे ज्यादा वायलेंस तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल लोगों का होता है जो आपके जान पहचान के लोग होते हैं, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया में वायलेंस इज नॉट मोर देन जो यूजुअल होता है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट एक, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्किज़ोफ्रेनिया में हम ये देखते हैं ना कि डिप्रेशन कभी कभार इनसाइट जब आती है तो डिप्रेशन भी बहुत आता है, तो वो बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है पेशेंट्स के लिए, इसलिए कि देन दे बिकम सुसाइडल एंड दे उनको पता होता है वो बीमार हैं और ये बीमारी कितनी सीरियस बीमारी है, तो एक उनको एहसास होता है कि देन फिर बेहतर है कि मैं मर जाऊँ बनिस्बत मैं इस बीमारी के साथ जिंदा रहूँ, तो वो भी एक उनका बड़ा सेंसिटिव पीरियड होता है कि काफी उनको मॉनिटरिंग की उस टाइम पे जरूरत होती है। और सपोर्ट की भी ना, वो हम आगे बताएंगे ना इंशाल्लाह, आगे बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। तो ये जब इनकी असफंद और हुरैन की शादी हो जाती है तो इनके पेरेंट्स इनको कहते हैं कि आप इनको ना आप लोग हनीमून के लिए जाएं, दूर जाएं थोड़ा सा शहर से सब लोगों से, तो इसके अंदर वो दिखाया है कि ये देर अच्छा इनका वक्त गुजर रहा है, लेकिन फिर इसको ये उस वक्त ये दवाई शुरू हो जाती है, लेकिन इसको हलुसिनेशन होता है कि जो दवाई है उसकी वजह से मैं ये, मुझे वो मारना चाहते हैं, आई थिंक यही था ना कि वो उसको मारना चाहते हैं, हस्बैंड उसको मारना चाहता है और उसको जो नींद आ रही है और ये वो उस दवा की वजह से है, तो इट इज हार्मिंग हर, तो वो ढूंढ रही है, वो उसको छुपा भी देती है टॉयलेट के अंदर जाके ना वो ऊपर फेंक देती है। और फिर उसको ये भी होता है कि वो ये नोटिस करती है कि हस्बैंड उससे दूर भी रहता है, जैसे डॉक्टर ने एक तरीके से उनको कहा, तो वो उसको ये फिर एकदम से ना अगेन वो एक एसोसिएशन बना रही थी कि अगर वो मुझसे दूर है इसके मतलब है कि वो मुझे नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं, और उसका हलूसिनेशन भी होता है ना, हस्बैंड जैसे कहता है हाँ अपने आप को मार दो जान से, तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है तो वो हस्बैंड उसको बचा लेता है, तो अगेन कितना मतलब कि इसके लिए कितना दर्दनाक और कितना कंफ्यूजिंग होगा ना ये तजर्बा समन के, क्योंकि देखती असफन यार को ही अपने हलुसिनेशन में, असफन यार को ही देखती है ना, जो विजुअल हलुसिनेशन होता है, और हमने शायद हमने बात ये कह दी हो, लेकिन ज्यादातर जो मरीज होते हैं उनमें ज्यादातर ऑडिटरी हलुसिनेशन होते हैं बनिस्बत के विजुअल हलुसिनेशन के ना, वो भी हो सकते हैं, विजुअल भी हो सकते हैं, लेकिन ऑडिटरी बहुत ज्यादा होते हैं और विजुअल कम लोगों में होते हैं ना, लेकिन ये दिखाया जा रहा है कि इसके विजुअल भी हैं और ऑडिटरी भी हैं, लेकिन इसका जो विजुअल है वो है मतलब असवंत को ये देखती है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि 1 मिनट उसे देख रही है और वो उसको कह रहा, और इस वक्त वो काफी मतलब क्या कहते हैं, वो जरा थोड़ा सा उसका अंदाज भी जरा डरावना तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल सा होता है ना, कि वो उसका थोड़ा सा नेगेटिव सा होता है इसका जो असफंदियार
विजुअल हलुसिनेशन में जब वो आता है तो उसे कहता है ना, ये बातें बताता है जो आप कह रही हैं कि दवाइयां ना लो और फिर अपने आप को मार दो, मुझे दिखाओ कितना तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, है ना, ये कहता है ना उसे। तो और फिर अच्छा, तो 1 मिनट वो उसको देख रही होती है, फिर दूसरे मिनट वो आ जाता है और इतना परेशान होता है उसके लिए, और तो कहता है ना, जैसे कहता है कि तुमने ये क्यों किया, जो भी चीज हो अभी इस वक्त नहीं, लेकिन इस वक्त भी शायद कहता है ये ना, लेकिन वो कहता है तुमने तो कहा था, तुमने तो कहा था कि मुझे दिखाओ कि मेरी मोहब्बत कितनी मजबूत है, या इस तरह कुछ ना। तो मेरा यही, मैं सोच रही थी कि इसके लिए कितनी तकलीफ तो ये बात होगी ना, कितनी बड़े मतलब कि इतना इतनी स्ट्रेसफुल होगी कि उसको समझ ही नहीं आ रही ना। वैसे भी स्ट्रेस होता है ये बीमारी में, लेकिन जो आपका जो जो उसका विजुअल हलुसिनेशन दिखाया ना सफंजियार का, वो मुझे काफी लगा ना कि ये तो और ज्यादा मजीद इसके लिए स्ट्रेस की बात होगी ना। हाँ नहीं, हर वक्त एक एक उसमें रहना कि कौन कौन सा सही है कौन सा नहीं सही, ये मुश्किल काम है। और ये पेशेंट्स के लिए शुरू में, स्पेशली शुरू में जब इनको हेलुसिनेशन शुरू होते हैं, इनके लिए बड़ा तकलीफदेह होता है। इससे इनको समझ में नहीं आता, इनको काफी डर भी लगता है आवाजों से, खौफ खौफ में रहते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी रहती है मतलब, ये ज्यादा ये मतलब हॉबी, लेकिन बहुत कंफ्यूजन में ही रहते हैं। अब नजर आता है इसमें इतनी अच्छी अदाकारी की है, अब पता चलता है कि इतनी मतलब घबराई हुई कि मुझे इसको समझ नहीं आ रही होती ना, बिल्कुल कंफ्यूज होती है। ये तो इसकी हलुसिनेशन होती है, लेकिन इसकी जो हमने बताया कि इसकी बहन भी जो है नमल, बाद में वो भी जानबूझ के इसके इसके दिमाग में चीजें डालती है ना। लेकिन समन सॉरी, हमें हाँ हाँ हम एक चीज सॉरी बताना भूल गए थे पहले, इनकी शादी इस वजह से होती है ना कि उनके ये समझती है कि ये प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, ये मुझे अब याद नहीं आ रहा थोड़ा सा कि क्या एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन ये समझती है कि मैं उसको, मैं उल्टी, हाँ इसको जरा वो मैं कल तबीयत खराब होती है, तो उसने ये सुना होता है कि ना अगर आप ऐसे हो तो आप प्रेगनेंसी होती है ना, तो ये कहती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ ना, तो ये सबको बताती है, लेकिन ऐसी कोई चीज हुई हुई नहीं होती ना, लेकिन वो ही सबको बताती है, और फिर इसके माँ बाप इसके मतलब फौरन इसकी शादी इसके निकाह उसके साथ करवा देते हैं ना, सुंदर के साथ। तो मतलब इस हद तक वो होता है कि इसकी जो सोच पर इतना असर हो रहा होता है ना कि इसको मतलब कि पता ही नहीं होता है ना। असवंद यार भी उसको डिनाई नहीं करता ना, इससे वो समझ जाता है कि अपने घर में रहेगी तो इसको ये बीमार रहेगी, इससे वहां पे कोई इसको नहीं समझता, तो ये समझता है कि बेहतर है कि मेरे पास आ जाए ताकि मैं इसका सही इलाज कर सकूं। तो हाँ ये हम बाद में बात करेंगे, नहीं ट्रीटमेंट जो होता है। हाँ और हम ये देखते हैं कि बेसिकली स्ट्रेस से, और स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी कर्व हम कहते हैं कि जो ये जो बीमारी होती है ना, इसमें स्ट्रेस में ये और ज़्यादा खतरनाक और ख़राब हो सकती है। तो बेहतर होता है कि ऐसे पेशेंट्स के साथ कि उनको स्ट्रेस से दूर रखा जाए, है ना। बिल्कुल, ये जब हम काउंसिल करते हैं मरीजों को और उनके मतलब रिश्तेदारों को, हम यही बताते हैं ना कि आप जितना भी हो सके आप स्ट्रेस को कम रखें, और जब भी कोई है तो आप उसको मतलब प्रोएक्टिवली उसको मैनेज करें, पता है कि कोई मुश्किल वक्त आने वाला है तो आपको जितना भी आप हो सके उसको कम मतलब के करके ना उसको मैनेज करें। तो ये इसको, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा इस बीमारी के ऊपर असर होगा, ज्यादा फिर वो जैसे कहते हैं अगर मरीज ठीक भी हो गया हो कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर वो स्ट्रेस की वजह से दोबारा वो बीमारी मतलब दोबारा वापस आ सकती है ना। बिल्कुल और इसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर साइकोटिक एपिसोड जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया हो। तो उसमें हम ये भी देखते हैं ना कि शॉर्ट पीरियड भी ऑफ साइकोसिस भी हो सकता है, डिपेंडिंग के स्ट्रेस रिएक्शन हो, जिसमें वो हम टेम्पररी कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड हो, जी और या फिर कोई कोई ऑर्गेनिक ब्रेन बीमारी हो, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि साइकोसिस हो सकता है। स्पेशली कोई अगर ब्रेन ट्यूमर है, या इवन डिमेंशिया में भी हम देख सकते हैं कि उनको साइकोसिस हो सकती है। पता, ये तो कोई दवाई मतलब आम भी जो आप दवा ले रहे हो किसी चीज की, उसमें भी साइड इफेक्ट ही हो सकता है साइकोसिस का ना, जैसे स्टेरॉइड्स फॉर एग्जांपल, स्टेरॉइड्स अगर हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हो किसी वजह से तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ड्रग्स। पार्किंसंस की जो मेडिकेशंस हैं वो भी कभी कभार साइकोसिस कॉज कर सकते हैं।
और अगर इलीगल ड्रग्स आप यूज कर रहे हैं तो उनके भी कभी कभी इफेक्ट्स होते हैं कि आप साइकोटिक होते हैं, उसको हम ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस कहते हैं। तो बिल्कुल। यूजुअली जब आप ड्रग छोड़ दें तो आप सही हो जाते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करें तो कभी कभी परमानेंट हो जाता है ना ये साइकोसिस ड्रग इंड्यूस्ड। और समन कई दफा यही सिम्टम्स हम देखते हैं और बीमारियों में भी ना, और मतलब कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में भी, जैसे कई दफा अगर डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उसमें भी आप क्या कहते हैं ये चीजें आप मतलब शामिल हो सकती है ना। फिर हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया नहीं कहेंगे, वो डिप्रेशन के मतलब के में आ जाएगी। लेकिन ये कि कई दफा ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता है कि मूड के भी सिम्टम्स काफी होते हैं और साइकोटिक सिम्टम्स भी काफी होते हैं, फिर उसको उसके लिए हम एक और भी मतलब कि एक डायग्नोस्टिक लेबल इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। या फिर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स है ना, जो सिवियर डिप्रेशन होता है। और हाँ हम एक चीज होती है जो पोस्ट नेटल पीरियड में हम कहते हैं पर्परल साइकोसिस, तो उसमें वो बच्चों होने के बाद जो एक बेसिक कैफियत सी होती है जिसके अंदर वो साइकोसिस भी होती है। बहुत दफा इस ऐसे टाइम पीरियड में हम ये भी देखते हैं ना कि वो डिल्यूजन्स जो होते हैं वो माँ के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चा ईवल है या। तो अगेन इट्स यूजली शॉर्ट लिव्ड लेकिन ट्रीटेबल होता है। ठीक। तो ये इसमें बहुत अच्छी तरह इसका दिखाया है कि इसको विजुअल हेलुसिनेशंस हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, बिहेवियर इसका अफेक्ट होता है ना। बीच में ये भी दिखाया है कि वो अपने बाल काट देती है बिकॉज वो समझती है कि उसकी जो बहन है उसका अफेयर हो रहा है असफन से, तो वो खूबसूरत नहीं है, तो अपने बाल अजीब गरीब तरीके से काट देती है कि मैं खूबसूरत लगूंगी तो शायद इसका ये मेरे पास वापस आ जाए। तो अगेन वो भी रियलिटी बेस्ड होता है ना, जो तुम कह रही थी कि वो नेमल उसके साथ वो करती है, नमल सॉरी नेमल नमल उसको इस्तेमाल करती है ना उसकी बीमारी को, तो वो उसको उसकी वजह से और उसकी उसकी हालत बुरी हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल वही हमने कहा ना कि बिहेवियर काफी मतलब के बिहेवियर चेंज काफी आपको मतलब नजर आता है ना। कुछ होता है बीमारी की वजह से मतलब, या दूसरे सिम्टम्स की वजह से होता है, कुछ वैसे मतलब कि अलहदा से होती है ना चीजें जो हमने बताई, क्योंकि शख्सियत में काफी फर्क आ जाता है अपने सेल्फ केयर में और खाने पीने में, इन चीजों में भी ना। लेकिन समन एक और बात वो ये कि इसके जो असफंदियार के ऊपर जो असर होता है इसकी बीमारी का ना, वो भी काफी अच्छी तरीके से इन्होंने दिखाया है ना इस ड्रामे में, और पूरे खानदान पे इसके इसके पूरे माँ पूरे खानदान पर। बाप परेशान रहते हैं, उसकी बहन जो है वो परेशान रहती है। शुरू में वो नहीं समझती है, वो कहती है कि ये बन रही है ना, उसका थोड़ा सा एक जर्नी होती है फॉर रियलाइजेशन, पर वो जब समझती है तो वो उसको बड़ा अच्छी तरह उसको वो करती है ट्रीट। तो लेकिन जो एग्जैक्टली तो तुम कह रही ना असफन यार की जो समी खान की जो एक्टिंग है इट्स ब्रिलियंट, जिस तरह के वो उसके ऊपर वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना कि ये कितना मेरे पर इम्तिहान है ना, तो वो एक वाकई बहुत ही जबरदस्त। और यह हम देखते हैं है ना अपने प्रैक्टिस के अंदर भी, जो वालदेन के ऊपर असर होता है, क्या उनको क्या तकलीफ होती है और क्या एक रियलाइजेशन होती है ना कि ये कितनी सिवियर बीमारी है। तो वो बहुत दफा जो फैमिली के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा बहुत सिग्निफिकेंट होता है इस बीमारी। क्योंकि आप देखते हैं ना कि वो असफंदियार जब इनकी शादी होती है तो इसको उसके एग्जाम्स होते हैं सर सर पर उसके एग्जाम्स होते हैं, लेकिन फिर वो देता है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं दे पाता ना। लेकिन आप देखते हैं कि जितनी जैसी जैसी इसकी बीमारी बढ़ती है गुरैन की, वो खुद कितना परेशान और खुद कितना मतलब उसके चेहरे से ही जैसे आप कह रही है ना जाहिर होता है कि कितना कितनी टेंशन में वो है, कितना फिक्रमंद और कितना मतलब के मतलब अपनी अपनी जात उसकी मतलब मतलब के निकल रही होती है ना, वो इसका पूरा जो उसका जो होता है तवज्जो जो होती है हुरैन के ऊपर होती है ना, अपनी जो उसकी जो मतलब जिंदगी है वो अपनी चीजों पर तवज्जो नहीं दे सकता, पढ़ाई पर या जो भी है ना काम वगैरह पर, तो बस ऑब्वियसली इसकी इट गिर्द इज गिर्द, हाँ इसकी इर्द गिर्द ही गुजरती है। और फिर आखिर में
आखिर में एक्चुअली वो इतना स्ट्रेस में खुद चला होता है कि अपने बल्कि दोस्त से कहता भी है ना, कि उनका बड़ा बड़ा अच्छा एक डायलॉग है जो अपने दोस्त से कहता भी है कि ना मेरे ये मोहब्बत, हमेशा शुरू से कहता है ना, मैं मोहब्बत करता हूँ हुरैन से, मैं उसके ख्याल रखूंगा और ना मैं उसको मोहब्बत दूंगा और सपोर्ट करूंगा ना, लेकिन वो देखता है कि कितनी मुश्किल ये उसके लिए हो रहा है सब कुछ, तो फिर वो कहता है ना अपने दोस्त से कि मुझे मोहब्बत, क्या कहता है, मुझे मोहब्बत नहीं मिल, क्या 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 था वो डायलॉग, मतलब फर्ज, मेरी जिंदगी फर्ज बन गई एक तरीके हाँ से ना, हाँ फर्ज जिम्मेदारी, हाँ बना। जिम्मेदारी बन गई तो मोहब्बत मुझे नहीं मिली, तो फिर ये मतलब ये फिर ऐसे थोड़ी सी मुझे उस वक्त एक्चुअली देख के मुझे मुझे परेशानी सी हो रही थी कि यार ये तो मतलब काफी ना इसके उसको खुद सपोर्ट की जरूरत है और आगे क्या होगा, लेकिन फिर ये कि अब ये बात कहता है ये, तो थोड़ी देर बाद वो हुरैन का उस वक्त हॉस्पिटल में होती है, उसका फोन आ जाता है, फिर उससे कहती है ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना, तो वो कितना मतलब कि उसको कितना उसको ये बात सुन के कितनी खुशी मिलती है ना उसको, कि वो समझ रहा है कि बिल्कुल यही दिखाया जा रहा है कि उसकी शख्सियत इतनी तब्दील हो गई है हुरैन की, तो वो उस तरह की हुरैन है ही नहीं जिस तरह जिसको वो जानता था ना, हाँ जिसे हाँ जिसको जिससे मोहब्बत करता था ना और जो इससे मोहब्बत करती थी, तो फिर वो दिखाया जाता है कि जैसे वो इलाज करवाती है हॉस्पिटल जाती है, तो उसकी जो पहली से जो उसकी शख्सियत होती है वो कुछ वापस आना मतलब वापस आना आ जा आना शुरू हो जाती है ना, तो ये कि नहीं बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी सबकी। हम पार्ट टू शुरू करें। हाँ ठीक है, तो नाज़रीन हम इधर हम ये रिकॉर्डिंग इधर हम खत्म करेंगे और फिर पार्ट टू में अभी मिलते हैं आपके साथ, और उधर हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।